छत्तीसगढ़ में लोकसभा के उत्कृष्ट नतीजे आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी गर्मजोशी दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की पीठ थपथपाने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे और नवनिर्वाचित सांसदों सहित विधायक दल की बैठक ली। सबसे पहले जीत पर सभी को बधाई देते हुए आगे भी और अधिक ऊर्जा के साथ काम करने की प्रेरणा भी दी। उस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सीएम विष्णुदेव साय भी वहां मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की अलग अलग श्रेणी की बैठक भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के नेतृत्व में हुई है। प्रथम बैठक कोर कमेटी, क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा संयोजक की हुई और वहीं सहसंयोजकों की भी बैठक हुई। दूसरी बैठक भाजपा विधायक दल की हुई है, जिसमें आगामी कार्य योजना को लेकर रणनीति बनाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक भाजपा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम मनाएगी और इसके साथ ही 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम को संगठन स्तर पर और साथ ही साथ सरकार के स्तर पर भी करने की योजना बनाई गई है। हमारे अभी 25 तारीख के जो आपातकाल दिवस से लेकर और हमारे युग पुरुष आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस से लेकर 23 से लेकर 6 तारीख तक का जो हमारे पखवाड़े के कार्यक्रम है, उसमें हर कार्यक्रम में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो, संगठन के कार्यक्रमों में सभी हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित रहें और पूरे प्रदेश में अभी जिम्मेदारी तय भी होगी निश्चित रूप से इन कार्यक्रम योजना को लेकर। योग दिवस प्रमुख रूप से योग दिवस का 21 जून का जो कार्यक्रम है उसे हमारे पूरे संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर यह प्रशासन स्तर पर मनाया ही जाएगा योग दिवस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और योग दिवस को अच्छे से मनाने का निर्णय लिया गया है। सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो रही है, उसमें प्रभारी तय होंगे और सारे कार्यक्रम कार्य योजनाओं की विस्तृत चर्चा आदरणीय प्रभारी जी ने सभी से की।